आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर प्राइवेट बस आगे से जा रहे ट्रॉला से जा टकराई। घटना में बस में सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री चोटिल हो गए, जिसमें 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे जिला के आला अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया है। हादसा गुरुवार को तड़के 1 बजे के करीब का है। दिल्ली के मलिक सहगल ट्रांसपोर्ट कंपनी की प्राइवेट बस संख्या UP22T6446 कुल 42 यात्रियों को लेकर नेपाल जा रही थी। बस में चालक रिंकू निवासी खानपुर बुलंदशहर तथा परिचालक संतोष पुत्र कालीचरण थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जैसे ही बस कुर्रा थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 90 पर पहुंची, तभी आगे जा रहे ट्राला से बस टकरा गई। बताया गया है कि हादसा बस चालक को झपकी आने से हुआ है। तेज धमाके के साथ यात्रियों में चीख पुकार मची तो आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे में चालक रिंकू संतोष के साथ बस में सवार 29 यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही करैल कुर्रा पुलिस के साथ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और ASP ओम प्रकाश सिंह मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा टीम के साथ सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सैफई मेडिकल कॉलेज में 5 की हालत गंभीर बताई गई है। खबर पाकर जिले के अधिकारी सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने घटना की जानकारी ली। सभी यात्रियों के परिजनों को भी घटना से अवगत करा दिया गया। एक्सप्रेस वे पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, पूरा मामला क्या है? ये मामला आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे की है। किलोमीटर पॉइंट अराउंड 90 किलोमीटर्स पे ये घटना हुई है। सूचना मिली थी रात में करीब 1 बजे के आसपास कि बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सारे पुलिस अधिकारी मौके पहुँचे, मैं भी मौके पर पहुँचा था। वहाँ देखा कि एक दिल्ली से नेपाल जा रही थी ये बस, और इसमें ड्राइवर और कंडक्टर के समेत कुल 49 लोग इसमें सवार थे, जिसमें बच्चे भी थे। इसमें जो भी मजरूब थे, हल्की फुल्की चोटें थीं उनको, उन सभी को वहाँ से सैफई में जो PGI है वहाँ पे ले जा करके उनको दवा उपचार कराया जा रहा था। उसके बाद देखा गया कि 49 में से 27 लोग कुछ ना कुछ उनको वो घायल हैं, बाकी के जो बचे हैं वो बिल्कुल सकुशल हैं, सुरक्षित हैं। और इस प्रकार से हम लोगों ने उस बस को भी वहाँ क्रेन की मदद से वहाँ से हटवाया, यातायात सुचारू रूप से चलवाया था। और ये बस दिल्ली से नेपाल जा रही थी, आगरा टू लखनऊ की तरफ इसकी दिशा थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चूँकि उसका फ्रंट पे काफ़ी टूट फूट है बस के, तो ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े वाहन के पीछे इसमें टक्कर लगी है। हालांकि इस विषय में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है, जाँच पड़ताल जारी है। कोई मृत्यु नहीं हुई है और सभी लोग सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। सर, घायलों की बात करें तो इसमें से कुछ गंभीर भी घायल हैं? एक जो गाड़ी के ड्राइवर हैं जिनका नाम रिंकू सामने आया है, बुलंदशहर के रहने वाले, वो उनको ज़्यादा चोटें थी, परंतु वो खतरे से बाहर बताए गए हैं।